हाय गाइस, स्वागत हमारे YouTube चैनल में। आज मैंने आपके लिए अनुसूची लेकर के आया हूँ, जो संविधान में दिया हुआ अनुसूची जो स्पेशली एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो हम चलिए देखते हैं संविधान के किस अनुसूची में अनुसूचियों को रखा गया है और ये कितने प्रकार के अनुसूची होते हैं और इसके अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं, आज हम ये सब सीखेंगे। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। दिया हुआ है, ध्यान दीजिए, हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र सरकार, जिसको हम संसद, और राज्य सरकार, जिसमें विधानमंडल की शक्तियों के बंटवारे हेतु 3 सूचियों को रखा गया है। यानी भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में संसद, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अंतर्गत विधानमंडल की शक्तियों के बंटवारे हेतु 3 सूचियों को रखा गया है, जिसको हम निम्न प्रकार से जानते हैं। पहला है संघ सूची, इंग्लिश में यूनियन लिस्ट होता है। दूसरा है राज्य सूची, स्टेट लिस्ट। एंड तीसरा जो होता है समवर्ती सूची, जिसको कहते हैं कंकरेंट लिस्ट। तो आई होप आज हम लोग इस चीज़ को सीखेंगे, जो आपके आगामी एग्जाम के लिए क्लास 10th में 1 से 2 नंबर आने की संभावना हर साल रहती है और आती भी है, और भी ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में और भी चीज़ें। संघ सूची क्या होता है? विषयों की वह सूची जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाए, संघ सूची कहलाती है। यानी कि विषयों पर ऐसा कानून, जो उस पर कानून बनाने का कार्य करता है वो कौन करता है? यूनियन लिस्ट यानी कि संघ सूची कार्य करता है, ठीक है ना। इसमें ऐसे महत्वपूर्ण विषय रखे जाते हैं जो पूरे देश पर प्रभाव डालते हैं। अब इस संघ सूची में कौन कौन से विषय आते हैं, ध्यान दीजिएगा। रक्षा, विदेशी मामले, चुनाव आयोग, वित्त आयोग, सुरक्षा, रेलवे, बैंकिंग, केंद्रीय बल, ठीक है ना। ये हमारे किस सूची के विषय हैं? हमारे संघ सूची के विषय हैं। ऑप्शन दे देगा आपके रक्षा, कृषि, पंचायत एंड पुलिस, इनमें से कौन संघ सूची के अंतर्गत आएगा? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, संघ सूची में कौन आएगा, ये जो हमारा रक्षा है, ठीक है ना। चलिए, ये हमारा संघ सूची का विषय है। हर एक पॉइंट को आप लोग इसको नोट कीजिएगा, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। या देखते हैं हम अब राज्य सूची क्या है। राज्य सूची विषयों की वह सूची जिस पर राज्य सरकार द्वारा कानून बनाती है, ठीक है ना। ऐसा विषय जिस पर जो कानून बनाने का कार्य विधानमंडल यानी कि राज्य सरकार के द्वारा होती है, उसको हम राज्य सूची कहते हैं। इसके अंतर्गत सिंचाई आता है, कृषि आता है, व्यापार आता है, जैसे विषय आते हैं। अन्य उदाहरण जानने के लिए ध्यान दीजिए, पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था, पंचायत, राज्य चुनाव आयोग, कृषि, सिंचाई, पथ कर जिसको हम रोड टैक्स कहते हैं, और हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य। यह किस सूची का विषय है? तो राज्य सूची का विषय है। ये आप बहुत इंपॉर्टेंट कई एग्जाम में पूछते हैं, कोई भी एग्जाम हो। स्पेशली हमने क्लास 10th के लिए बनाया है, जो आपके बोर्ड के एग्जाम में 100% इसको एक बार वीडियो देख के जाइएगा, जरूर ना जरूर ये टच होगा आपके एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा। तो यानी कि ये जितने भी विषय आ रहे हैं किसके अंतर्गत आते हैं? राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जो अब है हमारा समवर्ती सूची। समवर्ती सूची यानी कंकरेंट लिस्ट क्या होता है? विषय की वह सूची जिस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य और केंद्र दोनों का होता है। यानी समवर्ती सूची ऐसा विषय है जिस पर राज्य और केंद्र दोनों मिलकर के सरकार क्या करेंगे, उस पर कानून बनाएंगे। लेकिन जब दोनों के कानून में टकराव होते हैं तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है, ठीक है ना। अब एक कंकरेंट लिस्ट में कौन कौन से विषय आते हैं, ध्यान दीजिएगा। मैरिज यानी कि शादी, एजुकेशन, शिक्षा जो हो गया, न्यूज़पेपर यानी समाचार पत्र, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम और एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार, यह किस विषय के अंतर्गत आते हैं? इम्पॉर्टेंट है, समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके जानने योग्य है, और अब वीडियो के अंत में आपको क्वेश्चन और आंसर भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए संघ सूची के अंतर्गत कितने विषय आते हैं, तो ध्यान दीजिए 100 विषय आते हैं। यानी संघ सूची विषय के अंतर्गत कितने विषय आते हैं? 100 आते हैं। राज्य सूची के अंतर्गत कितने विषय आते हैं? 61 विषय आते हैं। समवर्ती सूची के अंतर्गत कितने विषय आते हैं? 52 विषय आते हैं। ध्यान दीजिए, नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शक्तियों का विभाजन मैंने शुरू में ही वीडियो में बताया कि 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है, यानी कि शक्तियों का विभाजन 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। अवशिष्ट सूची, ध्यान दीजिएगा, कहने को तो 4 होने चाहिए, लेकिन अब अवशिष्ट सूची क्या होता है इस पर ध्यान दीजिएगा। वह विषय जो संघ राज्य समर्थित सूची के अंतर्गत नहीं आता है,
अवशिष्ट सूची के अंतर्गत आएगा, ठीक है ना, ना ही राज्य सूची के अंतर्गत आएगा, ना ही संघ सूची के अंतर्गत आएगा। ऐसे विषयों को हम अवशिष्ट सूची कहते हैं। और अवशिष्ट सूची पर और उसके दिए गए विषयों पर कानून बनाने का जो अधिकार होता है वह संसद का होता है, ठीक है ना। यानी अवशिष्ट सूची वह विषय जो संघ राज्य समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है, अवशिष्ट सूची के अंतर्गत आता है। और इस पर जो भी काम होगा वो कौन करेगा? संसद करेगा, ठीक है ना। संसद के द्वारा इस पर नियम बनाए जाएंगे अवशिष्ट सूची पर, ध्यान दीजिएगा। अब पहली बात ये भी ध्यान, पहले संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के अंतर्गत कितने विषय होते थे? तो ध्यान दीजिए 97, 66 और 47 विषय थे। यानी संघ में पहले कितने, संघ सूची में कितने विषय थे? 97। राज्य सूची में पहले कितने विषय थे? 66। समवर्ती सूची में कितने विषय थे? 47, ठीक है। ऐसे ही कंटेंट आपको मिल रहे हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं इस पर, यानी कि जो एग्जाम में बनने की संभावना है और कैसे कैसे एग्जाम में आते हैं, आप ये ध्यान दीजिएगा। दिया पहला क्वेश्चन, जो ध्यान से वीडियो देखा है इसमें सब बताएगा। देखते हैं कि यह 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन में आप कितना करके बताते हैं कमेंट में जरूर कीजिएगा। दिया समवर्ती सूची किस देश के संविधान से लिया गया है? आपको बताना है कि समवर्ती यानी कंकरेंट लिस्ट या किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, बैंकिंग किस सूची का विषय है, यानी कि जो बैंक है या किस सूची का विषय है? संघ सूची का है, समवर्ती सूची का है, राज्य सूची का है, इनमें से कोई नहीं, तो आपका इसमें आंसर क्या हो जाएगा? संघ सूची का विषय है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, कृषि किस सूची का विषय है? मैंने अभी बताया है, जो शुरू में वीडियो ध्यान से देखे होंगे बताएंगे, संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची, इनमें से कोई नहीं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? राज्य यानी एग्रीकल्चर यानी कि जो कृषि है वो किस सूची का विषय है? राज्य सूची का विषय है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है? आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। शिक्षा है ये किस सूची का विषय है? तो ध्यान दें, अवशिष्ट सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची, संघ सूची, तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षा यह हमारे राज्य सूची का विषय है। आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, जो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। यूपी बोर्ड में अगर जो अच्छे मार्क्स लेने हैं और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको अच्छे मार्क्स लेने हैं, तो इसे को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही कंटेंट आपको हम लेकर के देते रहेंगे, ठीक है। जो भी इसमें डाउट आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। आज का आखिरी क्वेश्चन क्या दिया? पंचायत, ये भी कई बार एग्जाम में बना हुआ क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पंचायत किस सूची का विषय है? अवशिष्ट सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, संघ सूची। तो पंचायत है ना, तो पंचायत राज्य के द्वारा होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा? राज्य सूची का विषय। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जो भी डाउट हो उसमें कमेंट कीजिए, ठीक है। लाइक कीजिए, शेयर करना मत भूलिए। अंत तक वीडियो को देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।